हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लंड्रे देतीमन। तो जैसा कि साइंस मैथ्स के जो बच्चे हैं उनका भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और रिज़ल्ट आ चुका है, और जहाँ पर कितने बच्चों को सिलेक्ट किया है अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप साइट खोलेंगे, न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर दिया हुआ है अपर प्राइमरी स्कूल टीचर साइंस मैथ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 2 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। जहाँ पर ये रही आज की डेट और आपका रिजल्ट आया है, कुल यहाँ पर जो है नॉन टीएसपी के 5678 और टीएसपी के 1030 जो पद हैं ये थे। और जिसमें यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी के रोल नंबर हैं और आप लोग बहुत आराम से यहाँ पर रोल नंबर चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से देखेंगे कि साइंस मैथ की जो कट ऑफ है नॉन टीएसपी क्षेत्र की, वह कितनी गई है। क्या वह एसएसटी के मुकाबले अधिक रही है या कम रही है। देखिए, एसएसटी में जो है आप देखते हैं कि बच्चों की संख्या काफ़ी थी, इस वजह से जो है उसकी कट ऑफ हाई जाना स्वाभाविक है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं साइंस मैथ की, तो यहाँ पर जो है सीट भी अधिक थी एसएसटी के मुकाबले, और एसएसटी में भीड़ बहुत अधिक रहती है, लेवल भी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 190.5077 गई है। ठीक है, फीमेल की भी वही गई है, और जो अदर कैटेगरी है तो उनको वहाँ पर यहाँ फ़ायदा हुआ है। ईडब्ल्यूएस की देख लेते हैं, जनरल की 176.8574 गई है। जहाँ पर आपने एसएसटी में देखा ज़्यादा अंतर नहीं था जनरल और ईडब्ल्यूएस में, वहीं साइंस मैथ में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो है वो काफ़ी कम गई है। तो मुझे लगता है जितने भी मेहनती बच्चे हैं सभी का सिलेक्शन जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी में भी हो गया होगा, ईडब्ल्यूएस में भी। एससी एसटी की जो भी कट ऑफ गई है वो कम ही गई है, अनुमान जितना था उतनी ही गई है। ठीक है, तो जिन बच्चों का रोल नंबर यहाँ पर है बहुत बहुत बधाई है उन बच्चों को, और सभी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने में लग जाएं, क्योंकि जो भी काम है वो फटाफट से हो ही रहा है, और बोर्ड द्वारा जो है वो जल्दी से इन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और आप लोगों को जो है जॉब भी मिल जाएगी। तो जो भी कागज़ हैं अपने फटाफट से उनको तैयार करवा लें, ताकि किसी भी काम में जो है वो देरी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस मैथ के जो बच्चे हैं, तो यहाँ पर कुल देखिए मैंने आपको बताया कि कुल 7435 पद थे। ठीक है, जो कि एसएसटी के मुकाबले अधिक हैं, तो इसीलिए कट ऑफ भी जो है वो थोड़ी सी एसएसटी के मुकाबले जो है वो कम जानी ही थी। तो यहाँ पर लगभग जो है वो 2 गुना यानी कि 200% बच्चों को शामिल किया गया है। और अब जो है किसी के डॉक्यूमेंट में जो है वो नाम में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका तो इलाज होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आप लोग एफिडेविट लगा देते हो। ठीक है, बाकी यदि आपके पास जो है वो कई बच्चे जो होते हैं फर्जी कॉलेज से जो है वो बीएड की डिग्री लिए हुए होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो ऐसे बच्चों को ही जो है यहाँ से जो है बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद 1 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। और अभी जो भी कट ऑफ गई है थोड़ी सी जो है वो आप देखिएगा, 4 या 5 मार्क्स जो है वो आगे जाएगी हर कैटेगरी में, उसके बाद 1 गुना बच्चों को जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो बहुत बहुत अगेन बधाई सभी को जिन बच्चों का साइंस मैथ में जो है सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही जो है सिलेक्शन जो है वो होता रहेगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको भी निराश नहीं होना है। अभी हाल ही में जो है वो एक न्यूज़ आप लोगों ने देखी है, हर साल जो है रीट होगी, और रीट होगी तो हर साल जो है वो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आ जाएगी। ऐसी ही पॉजिटिव सोच जो है वो हमें लेकर चलनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।